तो हम यहाँ हम्पी में हैं। ऐतिहासिक रूप से ये भारत के महानतम शहरों में से एक रहा है, और कई यात्री जैसे पुर्तगाली, इतालवी, चीनी और अरब के लोगों ने और कई यात्रियों ने इस शहर को उस समय का दुनिया का सबसे महान शहर कहा है। एक इतालवी यात्री यहां पर आए और वे कहते हैं कि यह शहर रोम से भी कहीं बड़ा और महान है। यह शहर करीब 60 मील की परिधि में फैला हुआ है और इसकी खूबसूरत चट्टानें आज भी मौजूद हैं। And exudes an aura of fascination, an aura of magical presence. जिनसे मनमोहक और जादुई उपस्थिति का तेज टपकता है। मुझे इस बात की हैरानी नहीं है कि उन्होंने ऐसी चट्टानों के बीच ये शहर स्थापित क्यों किया, क्योंकि ये चट्टानें सुरक्षा देती हैं और इन चट्टानों की एक जादुई मौजूदगी है। ये पूरी जगह चट्टानों से भरी है। शायद हम आपको बाद में कुछ शॉट्स दिखाएं। ये जगह चट्टानों से भरी है, शानदार चट्टानें। इनमें से कई को मंदिर और इमारत बनाने के लिए तोड़ दिया है, पर फिर भी जो जीवित चट्टानें हर जगह मौजूद हैं वो आज भी एक जादुई माहौल बनाती हैं। इस जगह का इतिहास बहुत पुराना है, करीब 6000 साल पुराना। यहाँ ऐसी गुफाएं हैं जहां आज भी 4000 वर्ष से ज्यादा पुराने चित्र और नक्काशियां हैं, और इसे देखकर ऐसा लगता है कि अगस्त्य मुनि खुद यहां आए थे। हम कई वजहों से ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने यहां पर आकर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए। तब से यह जगह बस आगे बढ़ती रही है। कई बार इसका विकास हुआ और कई बार पतन भी हुआ, पर यह जगह महान कृष्णदेव राय के युग के दौरान 13वीं-14वीं शताब्दी में वाकई अपनी ऊंचाइयों तक पहुंची थी। तब इसे विजयनगर साम्राज्य कहा जाता था। 14वीं शताब्दी की शुरुआत में दो भाई थे जिन्हें हक्का और बुक्का या हरिहर और बुक्का के नाम से जाना जाता है। वे काकतिया साम्राज्य के राज्यपाल थे। उन्होंने प्रशासन और नीति की कला सीखी, यहां आने का फैसला किया और अपना राज्य स्थापित किया। इस क्षेत्र में कर्नाटक के बल्लालों और ब्राह्मणी सल्तनत के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे, क्योंकि उत्तरी मुगल सम्राट दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। कई तरीकों से कई वर्षों तक, 200 से ज्यादा वर्षों तक, विजयनगर साम्राज्य दक्षिण में इस्लामी आक्रमणों को रोकने वाला एक मजबूत किला बन गया। यह भी एक कारण है कि दक्षिण में इस्लाम का असर और रुतबा बहुत कम रहा। विजयनगर साम्राज्य ही इसकी मुख्य वजह था, क्योंकि उन्होंने अपनी सेना को इस तरह से तैयार किया था। और यह शायद देश का इकलौता ऐसा साम्राज्य है जिसने देश के दोनों तटों पर कुछ समय तक राज किया। तट से तट, पूर्वी तट से पश्चिमी तट तक वे पूरी तरह से इस जगह को कंट्रोल करते थे, इसलिए समुद्री व्यापार पर यही हावी थे। शायद किसी दूसरे भारतीय राजा या सम्राट ने समुद्री व्यापार को कभी ऐसे कंट्रोल नहीं किया जैसे विजयनगर ने किया था। वे पूरी जगह पर हावी थे। And they brought in European and Arabic, Arabian goods into the country. और वे यूरोपीय और अरबी सामान देश में लाते थे। वे एशिया, अरब और यूरोप के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे। तो उस समय यह पूरा साम्राज्य इतनी अद्भुत तरह से मौजूद था कि इसकी महिमा आप आज भी अनदेखा नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे हुआ, इसके बारे में एक कहानी है। दो भाई थे जिन्हें इस्लामिक सल्तनत ने गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें दिल्ली ले जाया गया था, और फिर उन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया। 15 साल से ज्यादा समय तक वे सच्चे मुस्लिम बनकर रहे, क्योंकि उनके लिए जिंदा रहने का सिर्फ यही तरीका था। फिर उन्हें यहाँ राज करने के लिए दिल्ली सल्तनत के प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ का गवर्नर बनाकर भेज दिया गया, दिल्ली सुल्तानेट। And then they met Sage Vidyaranya. तब वे ऋषि विद्यारण्य से मिले। तब उन्होंने पहला कदम उठाया। विजयनगर साम्राज्य की पहली नींव इस तरह रखी गई थी। उन्होंने इस जगह को कैसे चुना, ये दिलचस्प है। अनेगुंडी नाम की एक जगह है, हम अभी उस जगह से कुछ ही दूर हैं। जब विद्यारण्य और दोनों भाई वहाँ पहुँचे, तब वे अपने कुत्तों के साथ शिकार करने गए
और वहाँ 5 कुत्ते और एक खरगोश था और राजा के 5 कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। वे ये देखकर हैरान हो गए क्योंकि आमतौर पर अगर 5 कुत्ते हमला कर दें तो खरगोश पलों में मारा जाता है, पर यह खरगोश उठ खड़ा हुआ और 5 कुत्तों से लड़ने लगा। फिर कुत्ते खरगोश का खूंखारपन देखकर पीछे हट गए। तब उन्होंने फैसला किया कि यही वो जगह है जहां वह अपना राज्य स्थापित करेंगे। इसी घटना के आधार पर और इसी प्रतीक के साथ, यानी चाहे आप कोई भी हो, अगर आप उठ खड़े होते हैं और आप कुछ भी करने के लिए तैयार हैं तो आप लड़कर जीत सकते हैं और साम्राज्य बना सकते हैं। इस आधार पर उन्होंने ये महान साम्राज्य बनाया था जो पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप में, यानी पूरे दक्कन में, एक तट से दूसरे तट तक फैला हुआ था।